दोस्तों ये है इन्फिनिक्स O8। इस डिवाइस को हमें यूज़ करते हुए लगभग 2 वीक्स के आसपास टाइम हो चुका है एंड अभी हम इस डिवाइस का एक बेटर तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। तो लास्ट कुछ वीडियोस में आपकी काफ़ी सारी कमेंट्स आई है, तो जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे कमेंट्स के थ्रू सभी का आंसर आपको डिटेल में आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स O8 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। यहाँ पर हम बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे कि इस डिवाइस में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, HD डिस्प्ले आपको मिलती है, लो प्रोसेसर मिलता है, क्योंकि 7000 की प्राइसिंग में जो फीचर्स आपको इस डिवाइस में प्रोवाइड किए गए हैं वो किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको इस डिवाइस के कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इंप्रेस कर सकते हैं एंड आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मिसिंग है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन से फीचर्स मिसिंग है एंड कौन कौन से फीचर्स यहां पर मिलते हैं तो सभी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इन्फिनिक्स O8 के बारे में तो 7000 की प्राइसिंग में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी लाइफ, 6.52 इंचेस की वाटर ड्रॉप नोच वाली बड़ी डिस्प्ले एंड और भी काफी सारे एडिशनल फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन दोस्तों इस डिवाइस में फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है जो कि आपने कमेंट करके पूछे हैं कि भाई ये फीचर इस डिवाइस में मिलता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन ड्यूल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन ड्यूल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। 2 Jio की सिम आप एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, Jio वोडाफोन, वोडाफोन एयरटेल दोनों ही सिम को 4G नेटवर्क पर यूज कर पाओगे एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपको डायरेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस अगर बात करी जाए ये स्मार्टफोन मैनुअल कैमरा यानी गूगल कैमरा को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स O8 7000 की प्राइसिंग में भी गूगल कैमरा को सपोर्ट करता है। मैनुअल फोकस, वाइट बैलेंस, ISO, शटर स्पीड का ऑप्शन आपको इनेबल देखने को मिल जाता है, जबकि रो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं लेकिन सारे फीचर्स आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों 7000 की प्राइसिंग में इस स्मार्टफोन में आप गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर बात करी जाए OTG सपोर्ट के बारे में तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में आपको OTG का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आप यहां पर पेन ड्राइव या फिर कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं OTG के थ्रू तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका जो भी आपने कनेक्ट किया है वो यहां पर आपके डिवाइस में शो होगा। गाइस अगर बात करी जाए नोटिफिकेशन LED लाइट के बारे में तो जब आप इस फोन को चार्जिंग से कनेक्ट करोगे तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक छोटी सी लाइट मिलती है जो कि चार्जिंग के लिए इंडिकेट करती है एंड थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन लाइट की तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों जब आपके डिवाइस पर किसी का मैसेज आएगा या फिर किसी की मिस कॉल आती है तो तब ये काम नहीं करती है। एंड दोस्तों यही सेम लाइट आपकी सेल्फी कैमरा के लिए भी वर्क करती है, तो सेल्फी के लिए भी फ्लैश लाइट के तौर पर ये आपकी काम आती है जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस डिवाइस में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। गाइस अगर बात करी जाए स्लो मोशन के बारे में तो कैमरा में इस डिवाइस में आपको स्लो मोशन का फीचर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आई थी क्या इस डिवाइस में स्लो मोशन का फीचर मिलता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों इस डिवाइस में काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि गूगल लेंस का सपोर्ट, AR शॉट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बुके इफेक्ट भी आपको मिल जाता है, ब्यूटी AI कैम एंड और भी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, वाटरमार्क का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेकिन स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस डिवाइस में आपको नहीं मिलता है। एंड गाइस इस डिवाइस में आपको ड्यूल ऐप का फीचर भी नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आई थी क्या इस डिवाइस में ड्यूल ऐप का फीचर मिलता है, तो जैसे Xiaomi के स्मार्टफोन्स में आप ड्यूल ऐप के फीचर की हेल्प से एक टाइम पे 2 WhatsApp, 2 Instagram, 2 Facebook, Flipkart, Amazon किसी भी एप्लीकेशन का ड्यूल वर्जन आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे आप इस स्मार्टफोन में ड्यूल ऐप का फीचर को ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो ड्यूल ऐप का फीचर आपको इन्फिनिक्स O8 में नहीं मिलता है। एंड दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आई थी क्या इस स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं।
गाइस अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपने लास्ट वीडियोस में कमेंट करके काफ़ी बारी पूछा है, क्या इस डिवाइस में इन्फिनिक्स की तरफ से टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों ये डिवाइस आपको एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, साथ में एक्स ओ एस का सपोर्ट आपको मिलता है एंड एक्स ओ एस का 5.0.2 का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाता है। काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि ऐप ड्रॉअर का फीचर आपको मिल जाता है, ऐप वोल्ट का फीचर आपको मिल जाता है, एफएम रेडियो का ऑप्शन आपको दिया गया है, 3D टच का फीचर आपको मिलता है, गूगल कैमरा को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है एंड काफ़ी सारे जेस्चर्स शॉर्टकट के लिए इस डिवाइस में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको इस डिवाइस को यूज़ करते हुए ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होने वाला है। गाइस अगर मैं बात करूँ रेगुलर अपडेट्स इस डिवाइस में टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे या फिर नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स ओटेट के लिए जस्ट अभी अभी एक न्यू अपडेट रोल आउट किया गया है, जिसका की साइज है 691.8 MB एंड इस अपडेट के चेंज लॉग को भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस इस अपडेट में आपको मिल जाते हैं। तो क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं इस अपडेट के साथ, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इन्फिनिक्स अपने डिवाइसेस के लिए अपडेट्स तो प्रोवाइड करता है, लेकिन पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको अपडेट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन साल में आपको 3-4 अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर बात करी जाए सेंसर्स के बारे में, तो 7000 की प्राइसिंग में इस डिवाइस में काफ़ी सारे सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाता है, जियो मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन जायरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, लाइट सेंसर आपको मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, ग्रेविटी, लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशन वेक्टर, लोकेशन, तो सारे ज़रूरी सेंसर, माइक्रोफोन, तो सारे ज़रूरी सेंसर आपको 7000 की प्राइसिंग में मिल जाते हैं। तो इतने सारे सेंसर तो आपको इस प्राइसिंग में किसी और डिवाइसेस में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इस डिवाइस में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। गाइस अगर बात करी जाए गेमिंग के बारे में, तो इस डिवाइस में मीडियाटेक हीलियो P22 का चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि यार काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। नॉर्मल यूसेज में आपको कोई भी लैक या फिर इशू देखने को नहीं मिलता है एंड लो गेम्स को अगर आप प्ले करते हो तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एंड पबजी को भी आप यहां पर लो ग्राफिक्स में प्ले कर सकते हैं। मीडियम सेटिंग्स में अगर आप प्ले करोगे तो थोड़ा बहुत लैग आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा लैग आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि HD या फिर हाई सेटिंग्स में आप गेम को प्ले करें, तो इस डिवाइस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको आपका बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो 10000 के आसपास काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जिनमें कि आपको अच्छे चिपसेट प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों 7000 की प्राइसिंग में ऑलराउंडर स्मार्टफोन ये आपको मिल जाता है एंड जो फीचर्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं वो किसी और स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड दोस्तों जो आपके कमेंट्स थी उन्हीं का मैंने आंसर आपको इस वीडियो में दिया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत and take care.